डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलौर में। बच्चों, हमारे पास क्लास 7 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इतना 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें दो चीज़ यहाँ पर निकालना है, एक तो निकालना है रेडियस निकालना है और दूसरा निकालना है एरिया, और पाई का वैल्यू ये लेने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है रेडियस में निकालना है, जब तक हम रेडियस नहीं निकालेंगे तब तक एरिया नहीं निकल सकता। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, इसी फॉर्मूले पे हम सेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2πr, 2πr। हमारे पास क्या है 2πr, r तो हमारे पास नहीं है। 2 पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14, और ये आर हो गया, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है यार, ये रेडियस हो गया। सर्कमफ्रेंस हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 31.4। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314, तो यहाँ 628 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 31.4 इक्वल टू 6.28। अगर हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इतना आएगा, और साथ में r भी रहेगा इसका। अब हम इसको नीचे कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगा। यहाँ पे कैसे होगा ये, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 628 लिख देते हैं और बाय 100, इसके साथ रेडियस लगा हुआ रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें और जगह की आवश्यकता पड़ेगा, हम इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जहाँ पे हमें आर निकालना है हम इसको इधर रखेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 628। 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा और आर इसके साथ रहेगा, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दो जीरो लग जाएगा, लेकिन हम वैसा नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 114 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आर इक्वल टू 314 मल्टीप्लाई 100 बाय 628 10। तो जीरो जो है हम काट देंगे, एक जीरो यहाँ से कट गया और एक जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। अब हम काटते हैं 314 टू जा इतना से कट जाएगा, तो ये हम काट दिए इसको, टू बार में कट गया ये, और टू को हम काट दिए, टू से काट देंगे इसको, तो 2 5 10, ये 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, 5 बार में ये कट गया यहाँ पे। तो r इक्वल टू हमें क्या मिल गया, r इक्वल टू 5। रेडियस हमें मिल गया कितना हो गया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर, एक आंसर तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमें निकालने के लिए कहा गया है एरिया, तो हम एरिया यहाँ पे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर है तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 हो गया, 25 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं इसको 25, 4 5 20 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, और 5 1 5 और 2 7, यहाँ पे 5 3 15, एक क्रॉस लगाएंगे, 4 2 8 हो गया, 2 1 2 3 2 6, ये हो गया 0 15, 1 बच गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया,
और ये 7 हो जाएगा। पॉइंट कहाँ है? पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब दो डिजिट के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 78.50, ये इसका एरिया हो गया। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया, रेडियस निकालने के लिए कहा था, और दूसरा एरिया निकालने के लिए कहा था, तो एरिया ये हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।